Hello students, I am your new science teacher. Today I am going to start chapter 4, heat. Okay, so heat is what? That heat feels you hot. ठीक है, जब भी आप जो है वो किसी भी हॉट चीज़ को जो है वो टच करते हो या फिर आपकी बॉडी को वो चीज़ टच होती है तभी आपको जो है वो हीट फील होता है, अदरवाइज़ यू कांट फील द हीट। ठीक है, तो हीट क्या होता है, हम कैसे हीट को फील करते हैं और कौन कौन से मटेरियल हैं जिनसे आपको जो है वो हीट मिलता है और कौन सी सीज़न में आपको हीट का रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहता है, वो सारा कुछ जो है वो हम इस चैप्टर के थ्रू स्टडी करेंगे। सो इन चैप्टर 3 यू हैव लर्नड दैट वुलन क्लोथ्स, ठीक है, फैब्रिक और फाइबर्स में आपने जो है वो क्लोथ्स, वुलन क्लोथ्स के बारे में स्टडी किया था। दे आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स, ठीक है, तो वुल जो है वो एनिमल फाइबर है। ठीक है, सो वुल एनिमल फाइबर को हम नेचुरल फाइबर भी बोलते हैं। ठीक है, सो यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर, ठीक है, तो कॉटन क्लोथ्स जो है वो कॉटन से बने रहते हैं। ठीक है, और कॉटन क्या होता है, प्लांट फाइबर होता है। ठीक है, सो इस तरह से हमने एनिमल और प्लांट दोनों तरह के फाइबर को स्टडी किया था इन चैप्टर 3। वी वियर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर्स, ठीक है, तो एनिमल फाइबर्स लाइक वुलन क्लोथ्स जो है वो हम विंटर सीजन में वेयर करते हैं। ठीक है, व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड, ठीक है, बाहर की तरफ मतलब कोल्ड होता है, इस वजह से हम क्या करते हैं, विंटर सीजन में वुलन क्लोथ्स को वेयर करते हैं। वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म, वी प्रेफर टू वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज़ टू हॉट, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा हॉट होता है तो हम या तो लाइट कलर प्रेफर करते हैं क्योंकि लाइट कलर जो होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, डार्क कलर जो होते हैं वो हीट को क्या करते हैं और ज़्यादा जो है वो रिलीज करते हैं, इस वजह से हम जो है वो डार्क कलर के क्लोथ्स और जो है वो वुलन क्लोथ्स वगैरह गर्म कपड़े जो होते हैं वो समर सीज़न में नहीं पहनते। बट अगर समर सीज़न में हम कौन से क्लोथ्स पहनते हैं, समर सीज़न में हम कौन से क्लोथ पहनते हैं, कॉटन क्लोथ एंड वुलन क्लोथ्स आर वियर इन विंटर सीज़न, बिकॉज जो उनका जो विंटर वुलन क्लोथ्स का जो कलर होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, हॉट होता है, मतलब डार्क होता है, इस वजह से वो क्या होता है, हमें हीट प्रोवाइड करता है। सो वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म, वी प्रिफर वियर लाइट कलर कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज़ हॉट, और जब ज़्यादा बहुत ज़्यादा हॉट होता है, गर्मी होती है, समर का सीज़न होता है, तो हम लाइट कलर की कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। दिस गिव्स अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस, ठीक है, और लाइट कलर और कॉटन क्लोथ की वजह से हमें कूलनेस का फीलिंग आता है। सो यू माइट हैव वंडर्ड व्हाई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लोथ्स आर सूटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सीज़न, तो आपने कभी ये सोचा है कि ये जो मतलब वुलन क्लोथ है हम विंटर सीज़न में ही क्यों पहनते हैं और कॉटन क्लोथ हम समर सीज़न में ही क्यों पहनते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपसे किया हुआ है। तो इसका आंसर ये हुआ कि कुछ तरह के कपड़े जो होते हैं वो हमें विंटर सीजन में इसलिए पहनते हैं क्योंकि वो हमें हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं। ठीक है, सो दे कीप अस वार्म, व्हाइल कॉटन क्लोथ्स आर फीलिंग अस आर गिविंग अस फीलिंग ऑफ कूलनेस, ठीक है, और वो हमारे बॉडी से जो होता है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, और उसको एटमोसफियर पे रिलीज कर देते हैं। इन विंटर यू फील कूल कोल्ड इनसाइड, ठीक है, अंदर से आपको जो है वो मतलब ठंडी बहुत मतलब महसूस होती है, फील होती है इन विंटर सीजन द हाउस, ठीक है, घर के अंदर भी आप बैठे होंगे फिर भी आपको जो है वो ठंडा महसूस होगा। इफ़ यू कम आउट इन द सन, लेकिन आप बाहर जब आओगे सन की लाइट में तो आपको जो है वो गर्मी महसूस होगी, यू फील वार्म। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस, लेकिन समर सीजन में तो क्या होता है, आप सन की मतलब लाइट नहीं ले रहे हो घर के अंदर फिर भी जो है वो आपको बहुत गर्मी महसूस होती है, ठीक है, यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट है और कौन सा कोल्ड है जिससे जो है वो हम पर्टिकुलर सीजन में यूज़ कर सके, सो दैट्स वाई वी हैव टू नो दैट दिस सब्सटेंस इज हॉट, दिस इज अ कोल्ड, ओके। सो हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज, ठीक है, और अगर मान लो कि हमने ये फाइंड आउट कर लिया है कि ये जो सपोज़ फॉर एग्जांपल टी इज़ हॉट एंड आइसक्रीम इज़ कोल्ड, ठीक है, तो हमने दोनों सब्सटेंस को फाइंड आउट कर लिया है कि ये जो है टी हॉट होता है एंड जो
आइसक्रीम होता है वो कोल्ड होता है, बट वो कितना हॉट है और कितना कोल्ड है वो हमें नहीं पता, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में हॉट है कितनी क्वांटिटी में कोल्ड है दैट वी डोंट नो. सो हाउ दैट वी फाइंड आउट हाउ द हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज. इन दिस चैप्टर वी शाल ट्राई टू सीक आंसर्स टू सम ऑफ दिस क्वेश्चंस. ठीक है, तो हमारे इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें इस चैप्टर के थ्रू मिलेंगे. सो प्लीज़ लिसन मी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड इट केयरफुली. इट इज़ वेरी इजी चैप्टर. ओके, और इसमें जो एक्टिविटीज़ है वो आप अपने घर पे भी परफॉर्म करके आप खुद को जो है वो आंसर्स प्रोवाइड करके खुद को सेटिस्फाई कर सकते हो कि हाँ ऐसा होता है रियली. सो हॉट एंड कोल्ड के बारे में हम स्टडी करेंगे पहले इन आवर डे टू डे लाइफ. ठीक है, वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, हमारे डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं ना, सम ऑफ देम आर हॉट, उसमें से कुछ हॉट है एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड. ठीक है, सारे सब्सटेंस ऐसे ही तो हैं, सारे कोल्ड और सारे हॉट तो हो नहीं सकते, उसमें से कुछ जो है वो कोल्ड है और कुछ जो है वो हॉट है. ठीक है, टी इज़ हॉट एंड आइस इज कोल्ड. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि टी जो है वो हॉट होता है और आइस जो है वो कोल्ड होता है. सो लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स यू यूज़ कॉमनली इन टेबल 4.1, मार्क दीज ऑब्जेक्ट्स एज हॉट और कोल्ड. ठीक है, तो आपको हॉट और कोल्ड भी मार्क करना है. ठीक है, यहाँ पे कोल्ड और कूल दोनों लिखा हुआ है. ठीक है, तो कोल्ड यानी बहुत ज़्यादा ठंडा और कूल यानी थोड़ा ठंडा. ठीक है, लेस कूल कंपेयर टू दी कोल्ड. ठीक है, ऐसे ही वार्म क्या होता है, जनरली हॉट होता है, बट हॉट इज़ हॉटेस्ट देन वार्म. ठीक है, तो इस वजह से आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं एज अ ऑब्जेक्ट, तो इनको जो है वो आप हॉट है या कोल्ड ऑब्जेक्ट है आप इसको फील कीजिए या फिर टेस्ट करना है या फिर ऑब्जर्व करके भी आप देख सकते हो कि ये हॉट या कोल्ड होगा. ठीक है, तो यहाँ तो सिर्फ 4 ऑब्जेक्ट्स ही गिवन है, आपको जो है वो 4 और ऐड करना है. ठीक है, सो आपका होमवर्क क्या है, यू हैव टू ऐड 4 मोर ऑब्जेक्ट्स टू दिस टेबल 4.1 एंड यू हैव टू राइट दैट दिस 4 जो आप 4 कोई भी 4 ऑब्जेक्ट आप अपनी मर्जी से ले लो और जो आपके घर पे अवेलेबल हो और वो कॉल्ड होते हैं या हॉट होते हैं उसको आपको लिखना है यहाँ पे इस टेबल 4.1 में. ठीक है, सो 4 यहाँ पे गिवन है, 4 यू हैव टू ऐड बाय योरसेल्फ. नाउ Do not touch objects while are too hot. Be careful while handling a candle flame or a stove. तो आपको ऐसा क्यों कहा गया है कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है तो उसको टच नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों बोला जाता है? और जब भी आप कैंडल फ्लेम को मतलब होल्ड करके रखते हो, पकड़ के रखते हो एंड स्टोव के पास जाते हो, ठीक है, तो उस तो आपको केयरफुल रहना है बिकॉज इट इज़ टू हॉट. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इस वजह से आपकी बॉडी को जो है वो हार्म हो जाता है, आपकी जो स्किन है वो बर्न हो जाती है क्योंकि आप हॉट चीज़ को टच करने वाले हो, उसके कांटेक्ट में हो, इस वजह से आपको ऐसा पहले से जो है वो नोटिस दिया जाता है कि डू नॉट टच द ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट. सो वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट. ठीक है, हमने वही बात दोबारा कही जा रही है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे हमने कोल्ड देखी. लिस्ट के आप लिस्ट बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ ऑब्जेक्ट कोल्ड है और कुछ हॉट है. ठीक है, सो यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर्स. ठीक है, तो आपको फिर जब आप ये एक्सपेरिमेंट ये टेबल का लिस्ट बनाओगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो दूसरे ऑब्जेक्ट से ज़्यादा हॉट है और कुछ दूसरे ऑब्जेक्ट से ज़्यादा कोल्डर है. ठीक है, सो हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर देन द अदर. तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट से हॉटर है. ठीक है, वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो जनरली हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को टच करके पता करते हैं कि हाँ ये थोड़ा कम गर्म है, ये थोड़ा ज़्यादा गर्म है. ठीक है, सो इसी वजह से जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल लेती हूँ नॉर्मल वाटर. ठीक है, और एक नॉर्मल वाटर बॉटल में वाटर है, उसको आप ग्लास में डालिए एंड देन फ्रिज से वाटर बॉटल लीजिए और उस वाटर को दूसरे ग्लास में डालिए. ठीक है, और दोनों ग्लास के वाटर को या तो आप टच कीजिए या फिर उसे आप ड्रिंक करके देखिए. सो जब आप नॉर्मल वाटर को ड्रिंक करेंगे तो वो
थोड़ा नॉर्मल जनरली जितना कोल्ड होता मतलब कूल होता है उतना ही होगा, बट फ्रिज में से जो कूल वाटर है वो कोल्डर देन दी नॉर्मल वाटर होगा, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी और अदर ड्रिंक का या फिर कोई और अदर ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनका एग्जांपल उनको कंपेयर करके आप देख सकते हो कि कौन ज़्यादा कोल्ड है कौन ज़्यादा कोल्ड नहीं है और कौन सा ऑब्जेक्ट ज़्यादा हॉट है कंपेयर टू अदर वन, ठीक है। सो बट इट इज़ आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल, क्या हमारा जो टच का जो सेंस होता है, ठीक है, हम हमारी स्किन जो है वो हमारा सेंस ऑर्गेन है वन काइंड ऑफ, क्योंकि स्किन को जो है वो हॉट और कोल्ड ये सब फील होता है, ठीक है। सीजन का फील किसको होता है, स्किन को होता है, तो स्किन हमारा सेंस ऑर्गेन है, बट जो हमारा सेंस ऑफ टच है वो रिलायबल होगा, सो लेट अस फाइंड आउट, ठीक है। तो कब तक जो है वो हमारा सेंस ऑर्गेन रिलायबल है, कि हमें कब तक पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो हॉट है या कोल्ड है कंपेयर टू अदर वन। नाउ वी हम एक्टिविटी 4.1 यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है, और ये जो है वो बहुत इजी है, आप इसको घर पे परफॉर्म कीजिए। टेक 3 स्मॉल ट्यूब्स और कंटेनर्स, ठीक है, ट्यूब नहीं है तो आप कंटेनर ले लीजिए, ठीक है, कोई भी मतलब 3 एक ही साइज़ के एक जैसे जो है वो कंटेनर्स ले लीजिए। लेबल देम ए बी एंड सी, उनको ए बी सी से, क्योंकि एक जैसे कंटेनर है तो इसलिए आप उसको मतलब ए बी सी से लेबल कर दो। पुट कोल्ड वाटर इन कंटेनर, ठीक है, कोल्ड वाटर जो है वो कंटेनर ए में रखना है, देन हॉट वाटर इन कंटेनर कंटेनर बी में हॉट वाटर रखना है, एंड मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन कंटेनर सी, ठीक है। तो कंटेनर ए में तो क्या है, पूरा कोल्ड वाटर है, प्योर कोल्ड वाटर, देन प्योर हॉट वाटर, पूरा हॉट वाटर जो है वो कंटेनर बी में है, और सी में जो है वो हॉट और कोल्ड दोनों का मिक्सचर है, ठीक है, हाफ अमाउंट ऑफ कोल्ड वाटर एंड हाफ अमाउंट ऑफ हॉट वाटर का मिक्सचर जो है वो कंटेनर सी में है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, फील करना है, अंदर अपना हाथ जो है वो डीप करके, आपका हैंड डीप कीजिए तीनों कंटेनर में सेपरेटली वन बाय वन, ठीक है। तो नाउ डीप योर लेफ्ट हैंड इन कंटेनर ए एंड राइट हैंड इन कंटेनर बी, ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, दोनों में साथ में आप फील कर सकते हो, एक आपके टू हैंड्स होते हैं लेफ्ट और राइट, ठीक है, तो लेफ्ट को कंटेनर ए में डीप करो और राइट को कंटेनर बी में, आप जो है वो जिसको डिप करना चाहो उसको डिप करके देख सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द टू कंटेनर्स फॉर 2 to 3 minutes, ठीक है, आपको 2 से 3 मिनट तक जो है वो कंटेनर में अपना हाथ जो है वो डिप करके रखना है। पुट बोथ द हैंड्स साइमल्टेनियसली इन कंटेनर सी, फिर बाद में जो है वो कंटेनर सी में साइमल्टेनियसली अपने दोनों हाथ रखिए। डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग, क्या दोनों हाथ को सेम फीलिंग आ रहा है, नहीं नहीं आएगा। बूझो को क्या फीलिंग आया, माय लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट द वाटर इज मग इन मग सी इज हॉट, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड जिसको हमने क्या किया था कोल्ड वाटर में डाला था, ठीक है, कोल्ड वाटर वाले कंटेनर ए में डाला था, तो लेफ्ट हैंड को डाला था, तो उसमें है ना वाटर सी मतलब जो सी कंटेनर में जो वाटर है उसको वो वाटर कैसा लगा, हॉट लगा, क्योंकि उसने कोल्ड में डाला, जैसे ही कोल्ड में डाला और फिर वो मिक्स वाटर में डालेगा तो वो हॉट और कोल्ड का मिक्स है तो उसको क्या लगेगा, वो वाटर हॉट लगेगा। एंड द राइट हैंड टेल्स मी दैट द सेम वाटर इज़ कोल्ड, लेकिन राइट हैंड को आपने हॉट में डाला था तो वो उससे कम हॉट में और कम कोल्ड में जाएगा तो वो क्या फील करेगा, कोल्ड वाटर फील करेगा, सॉरी उसको फीलिंग क्या आएगा, कोल्ड वाटर का फीलिंग आएगा। व्हाट शुड आई कंक्लूड, ठीक है, तो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। सो बूजोस कंफ्यूजन शोज दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रिले ऑन आवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड, ठीक है, इसीलिए हमेशा हम हमारे सेंस ऑफ टच को से डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट है और कौन सा, क्योंकि हमारी सेंस ऑर्गेन यानी कि दोनों हाथ हमारे ही तो थे लेफ्ट और राइट दोनों, बट उनको जो है वो हमने एक को हॉट में डाला और एक को कोल्ड में डाला, लेकिन बाद में दोनों ही हैंड को जो है वो हमने सेम कंटेनर सी में डाला तो दोनों ही हैंड में जो है वो डिफरेंट फीलिंग आया है, जिसको हॉट में रखा उसको वो वाटर कोल्ड लगा कंटेनर सी वाला, और जिसको यानी कि ए कंटेनर में हमने लेफ्ट हैंड को रखा था तो वहाँ से हमने कंटेनर सी में लेफ्ट हैंड को रखा तो वो वाटर जो है वो उसको हॉट लगा।
इस वजह से सेंस ऑफ टच हमेशा रिलायबल नहीं होता टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड. समटाइम्स इट मे डिसीसिव अस. ठीक है, तो ये हमारे लिए डिसीसिव नहीं होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को हॉट या कोल्ड बोल सकते हैं नहीं. देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज. ठीक है, तो फिर सेंस ऑफ टच से तो नहीं पता चलेगा एग्जैक्टली. तो ऐसा कौन सा मेथड है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हम जो है वो पता कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो हॉट है या कोल्ड है और कितना हॉट है और कितना कोल्ड है. अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट की हॉटनेस का जो रिलायबल मेज़र होता है वो क्या होता है, उसका टेम्परेचर, कि उसका टेम्परेचर कितना है. अगर हम उसका टेम्परेचर किसी तरह से मेज़र कर ले तो हम पता कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो कितना हॉट है कितना कोल्ड है. टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की हॉटनेस का पता कैसे चलता है. अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इट्स टेम्परेचर. तो टेम्परेचर का डेफिनेशन क्या हुआ, एक रिलायबल मेज़र होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस का, कि वो कितना गर्म है. ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इट्स टेम्परेचर. एंड टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर. टेम्परेचर किसको बोलते हैं, रिलायबल मेज़र ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर. एंड टेम्परेचर को जिस डिवाइस से हम मेज़र करते हैं उसको बोलते हैं थर्मोमीटर. ओके, सो टुडे वी विल कंक्लूड आवर लेक्चर वीडियो. ओके, आर्टिकल 4.2 दैट मेजरिंग टेम्परेचर, उसको जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल्स से में स्टडी करेंगे कि किस तरह से हम जो है वो टेम्परेचर को मेज़र करते हैं. क्योंकि हमें ये तो पता चल गया है कि हमारी सेंस ऑफ टच जो है वो हमेशा रिलायबल नहीं होती है टू डिसाइड हाउ द ऑब्जेक्ट इज़ हॉट. ठीक है, तो कितना और हाउ द ऑब्जेक्ट इज़ हॉट इज़. ठीक है, तो इस वजह से जो है वो उसकी हॉटनेस का, किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस का कैसा पता चलेगा, उसके टेम्परेचर की मेज़रमेंट से पता चलेगा, और वो हम थर्मोमीटर की हेल्प के थ्रू करेंगे. ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.